नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही सड़क हादसे की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाई गई है। वहीं आज फिर तेज रफ्तार ने 3 बच्चे 3 महिला सहित 1 दर्जन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पालकोट प्रखंड के सारूबेर चिरोडार गांव निवासी हैं और पालकोट रोड स्थित बहरा टोली के समीप से ऑटो में सवार होकर चैनपुर अनुमंडल स्थित कुरुमगढ़ थाने इलाके के ठाकुर झरिया गांव किसी भगत के पास जा रहे थे। इसी बीच सदर थाना इलाके के मारापाने स्थित मोड़ के समीप विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही अज्ञात बुलेरो और ऑटो में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो 10 फीट गड्ढे में जा पलटी, जिसमें ऑटो में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में चालक अनिल कुमार व अन्य 1 वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि 4 वर्षीय अविनाश किंडो, 6 वर्षीय निखिल किंडो, 7 वर्षीय ऋतिक किंडो को हल्की चोटें आई है। वहीं पंकज किंडो, विमल किंडो, प्रमिला मिंच सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंच, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज डॉक्टरों के द्वारा चल रहा है। से गुमला यहां मेरा दीदी के यहां आए थे, हम लोग यहां से जाने वाले थे ठाकुर झरिया वैद्य के पास, तो जाते समय रास्ता में हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। कौन मारा? बोलोरो था, हम लोग टेम्पो में थे, तो सामने से चला हुआ सर, 7-8 जन थे जी, बच्चे लोग थे, 3-4 सर। दवा बनाने के लिए? मैंने क्या दवा, जैसे कि किसी को दर्द है। एक तो बोलेरो ऐसा टेम्पो को मार दिया है, जिसमें 5-7-8 लोग सवार थे, सभी घायल थे, तो उसको उठा के सभी घायलों को उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, सबका इलाज चल रहा है अभी। बोलेरो का पता लगाया जा रहा है, पता लगते ही सूचित किया जाएगा सबको। हाँ, घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में।